वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर माया चैनल में आप लोगों का स्वागत है गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं अपना फ्रिज कैसे क्लीन करती हूँ और ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि अभी हस्बैंड आए थे, अभी कुछ 7:30 बजे का टाइम है और खाना लेट बनाऊँगी क्योंकि सब्जियाँ मंगवाई मैंने। तो मैं फ्रिज को क्लीन करना अभी साथ में सोच रही हूँ, मैं क्लीन कर देती हूँ, काफ़ी ढंग से हुआ भी नहीं है और सब्जियाँ भी धोकर, आजकल कोरोना है तो धोना तो पड़ेगा ही मुझे, इस वजह से मैंने कहा चलो फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्लॉग भी दे देती हूँ वीडियो का। तो चलिए करती हूँ अपना फ्रिज क्लीन। तो गाइस सबसे पहले मैं फ्रिज के सारे सामान निकाल देती हूँ जो भी फ्रिज में रखा है, तो मैं उनको साइड में निकाल के रख देती हूँ। ओवन लिस्ट के ऊपर रखी थी मैं, वो मैंने हटा दिया है। पानी की बोतलें भी निकाल दूँगी, सबको साइड में रख दूँगी मैं। तो कुछ सामान मैंने निकाल लिया है और अब मैं दूध का पतीला वगैरह निकाल लेती हूँ, ये मैं इधर साइड में रखती जाऊँगी। खाली कर लेती हूँ फ्रिज, जो भी सब्जी वगैरह हैं सबसे पहले मैं फ्रिज को खाली करूँगी, उसके बाद मैं आपसे वीडियो। तो गाइस फ्रिज मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, सारे बास्केट वगैरह मैंने इसकी ये ट्रे वगैरह सब निकाल दिया है यहाँ से भी, अब मैं इसकी सफाई करूँगी। तो पहले इस फ्रिज को बंद कर लेती हूँ, इसको मैंने बंद कर लिया है और इसकी वायर वगैरह हटा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रिज की जो ये जितने भी सामान रखने वाली चीज़ें हैं, बास्केट वगैरह और ट्रे वगैरह, ये सब मैं पहले इनको क्लीन कर लूँगी, अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद ये रख दूँगी इनको मैं, ये ड्रायर हो जाएंगी, फिर मैं करूँगी फ्रिज को क्लीन। अभी मैंने फ्रिज खाली कर लिया है और मैंने कहा पहले इन्हें धो लेती हूँ, फिर इनका पानी सूख जाएगा। और आज मौसम वैसे भी बहुत ख़राब हो रखा है क्योंकि आज बारिश हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है आज। तो इनको वॉश करती रहती हूँ मैं, साफ सफाई में इनको धोती रहती हूँ। उसके बाद फिर इन्हें लगाऊंगी और फिर सब्जियों को धोकर सब्जियां लगाऊंगी इनमें। पहले ये धो दिया है मैंने, अब वो साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस तार तो मैंने इसके निकाल दिए थे और मैं अभी इसको सिर्फ विम लिक्विड से ही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि पोलिन मेरे पास ख़त्म हो रखा है और मैं पोलिन में अभी ऐसे वेस्ट भी नहीं करना चाहती क्योंकि इस टाइम कोरोना का टाइम है और घर में सब कमाने वाले तो घर में ही बैठे हैं, तो हम इन चीज़ों के बगैर भी अपना गुजारा कर सकते हैं।
इस वजह से मैं विम लिक्विड से कर रही हूँ। मैंने ये जो रुमाल होता है इसमें विम लिक्विड लिया और हम इससे भी साफ़ कर सकते हैं, वो अच्छे से बहुत साफ़ कर देता है। तो यही है, आप भी अपने पैसे बचाइए, सेव कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि कॉलिन से ही साफ़ करें हम। तो चलिए ये कर लेती हूँ क्लीन अच्छे से, अंदर से तो वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था। ये फ्रिज मेरा काफ़ी पुराना है, इसे मैंने करीब मैं इसको 2007 में लेके आई थी, काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी बाहर से कोटिंग बहुत ख़राब हो गई है ये देखिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल A1 चलता है, बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छी कूलिंग देता है, इस वजह से मैं इसे अभी बदल नहीं रही हूँ। तो कपड़ा मैंने उसमें मार लिया है, मैं कपड़े को धोकर उसको साफ कर लेती हूँ अच्छे से, ये मैंने धो लिया था तो फ्रिज के अंदर मैं धुला हुआ कपड़ा मार देती हूँ। तो ये फ्रीजर पहले सबसे पहले फ्रीजर कर लेती हूँ साफ, बार बार मुझे कपड़े को धोना पड़ेगा पानी में क्योंकि ये जितना पानी इसका सारा निकल गया है। इसको जो इसमें विम लिक्विड लगा हुआ है उसको साफ कर लूँ अच्छे से एक ही कपड़े से, उसके बाद में कपड़ा धो धो के दोबारा मार लूँगी। साफ कर लेती हूँ सूखे कपड़े से ताकि ये जल्दी सूख जाए। ये देखिए फ्रेंड,
फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये फ्रीजर है और अभी मैंने इसकी लाइट ऑन नहीं की है, तो मैंने ये रख दिया है। इसमें बर्फ़ रखी हुई है डोंगे में और अभी तो वैसे खाली ही है। अभी सामान इसमें रखूँगी, ये सारा एकदम क्लीन है। और ये वाली जो मेरी ट्रे है, इसका शीशा जो एक्रेलिक का था, तो इस चीज़ का बना हुआ था, वो टूट गया है। तो मेरे हस्बैंड का फाइबर का काम है, तो उन्होंने इस टाइप की प्लेट बना दी। ये देखिए, बिल्कुल नज़दीक से देखिए, इस टाइप की प्लेट बना दी थी तो उसका फिट कर दी है। तो ये उन्होंने ही किया था। फ्रिज काफ़ी पुराना था मेरा, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा क्लीन है एकदम। और इतने साल पुराना फ्रिज हो चुका है, फिर भी कूलिंग बहुत अच्छी करता है ये। अभी मैं इसमें इसको बंद कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ इसको। तो ये देखिए गाइस, हस्बैंड आज सब्ज़ी लेके आए थे, अभी मैं इनको धो देती हूँ सारी सब्जियों को, और जब तक ये सूखेंगी तब तक मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि तो टाइम हो चुका है 9:10 होने वाले हैं, मुझे खाना भी बनाना है। फ्रेंड ये देखिए, आप देख सकते हैं घड़ी में। तो सबसे पहले सब्जियाँ धो लेती हूँ, सब्जी सूखेंगी उसके बाद मैं लगाऊंगी, पहले खाना बनाऊंगी, क्योंकि टाइम आपको मैंने दिखाया है कितना टाइम हो रहा है। फ्रेंड तो खाना बनाने में मुझे 1-1.5 घंटा जाएगा, जब तक मेरी सब्जी सूख जाएगी। तो मैं आपको मिलूँगी खाना बनाने के बाद। उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। तो अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 11 बज चुके हैं रात के। तो मैं पहले सब्जी लगा रही थी, मैंने सारी सब्जी धोकर रख दी है, तो मैं इन्हें लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं फ्रिज में कैसे लगाऊंगी। तो गाइस सब्जी लगा लेती हूँ। धनिया मैंने धो लिया था और साफ करके अच्छे से धोया है, तो अभी ये थोड़ा गीला है वैसे, पर ये काफ़ी हद तक सूख गया। तो मैं इसको अखबार में लपेट के रखती हूँ, जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल जाता है, 2-4 दिन। तो मैं इसे इस तरीके से लपेट दूँगी अंदर को। अभी मेरे पास इनके कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पास इनके बैग होते हैं, हर चीज़ होती है, मेरे पास इस टाइप से कुछ है नहीं। तो मैं तो ऐसे ही अभी अपने फ्रिज को रखती हूँ और काफ़ी टाइम से रखती आ रही हूँ, काफ़ी चल जाती है मेरी ये चीज़ें। खीरा, घिया और परमल और तोरी, ये मैंने इसमें रख दी है।
अब मैं इसी में ही अपनी आम भी चटनी बनाने के लिए है, और ये अदरक इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी। इसी में ये वाली बास्केट जाएगी मेरी, इसमें मेरे हरी मिर्च रखा है, और ये स्वीट कॉर्न लेके आए थे हस्बैंड, तो ये भी मैंने इसी में कर दिया है, इसे साइड में रख दूँगी। तो अभी मैं कर रख दिया था, इसे मैं बंद कर देती हूँ। और मैं फ्राइडे का व्रत रहती हूँ, तो इसलिए मैंने नींबू को अभी इसमें बंद कर दिया है, ताकि इसमें हाथ ना लगे। कल फ्राइडे है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बंद करके रख दिया है। मैं इसके नीचे रख दूँगी इसे, उससे मेरा हाथ भी नहीं लगेगा इसमें। और इसमें मैंने रखा है पुदीना, अखबार में लपेट के पुदीना, तो ये भी मेरा पुदीना भी मैं साइड में इधर ऐसे ही रख दूँगी। मेरा मक्का का आटा है, तो ये भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, इसको मैं यहाँ ऊपर रखूँगी, क्योंकि इसे बाहर गर्मी में रखेंगे तो कीड़ा हो जाएगा। और ये मेरा सत्तू, तो ये चने का सत्तू है, इसको भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और ये सॉस है इमली की, इमली का फल, तो मैं इसको भी साइड में इसी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है तो छूने छूना ना पड़े, इसलिए साइड में रख देती हूँ। तो ये तीनों चीज़ मेरी यहाँ आ जाती है। इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज रखा है, तो मैं इसमें दूध का पतीला और रख देती हूँ। तो दूध ठंडा हो चुका था गाइस, तो दूध भी मैंने यहाँ साइड में रख दिया है अभी। तो ये है मेरा फ्रिज ऑगनेस। अभी इसमें पानी की बोतल लगानी है मैंने, और ठंडे की कोई बोतल मैं ला नहीं रही हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से तो नारियल पानी वगैरह आ जाता है। करना, देखना, लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। और गाइस जो भी है अपने सजेशन, अपने सुझाव मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड और गुड नाइट फ्रेंड।